तुलसीदास जी की एक चौपाई है, धीरज धर्म मित्र और नारी आपदकाल परखिए चारी। मतलब धीरज धर्म मित्र और जो पत्नी है इनको आपातकाल में परखो, तभी पता चलेगा कि वो आपके कितने सच्चे लोग हैं। तो राजनीति की अगर हम बात करें तो वो भी जिंदगी से कुछ कम जटिल नहीं होती है। जिस तरीके से जिंदगी कई मोड़ लेती है तो सियासत की पिच पे भी कई दिलचस्प परिस्थितियां पैदा होती हैं, कई टर्न होते हैं। तो हम आपको बताने जा रहे हैं ऐसे ही तमाम चेलों की जो गुरु के चुनाव लड़ने से उनकी सीट पर, जो उनकी ही कृपा से मिली थी, वहां पर उनको दिक्कत हो रही है। और तो और जाने दीजिए, पत्नी की सीट पर पति ने दावेदारी कर दी है, जिसको लेकर पत्नी को कुछ समस्या है। अब पति और पत्नी के बीच में तो मामला चल ही रहा था कि बीच में एक तीसरे और दावेदार आ गए हैं। तो देखते हैं उत्तर प्रदेश में किस तरीके से बीजेपी के अंदर टिकटों को लेकर ये रिश्तों को कसौटी पर परखा जा रहा है। सत्ता का सुख एक बार चख लेने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए जगह खाली करना थोड़ा मुश्किल होता है। ऐसे में बीजेपी के बड़े नेताओं को उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने की बाध्यता ने फिलहाल चुनाव से पहले सीटों की दावेदारी बेहद दिलचस्प कर दी है। राज की बात में पिछले हफ्ते मैंने आपको बताया था कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के जो हैं, उनके लिए यूपी में एक बेहतरीन सीट ढूंढी जा रही है, जिस पे वो न सिर्फ जीत सकें बल्कि एक ऐसा मैसेज जाए कि बीजेपी को भी उसका फायदा हो। तो इस कड़ी में उनकी गोरखपुर सीट तो है ही है, साथ ही अयोध्या की बात भी है और मथुरा पर भी चर्चा चल रही है। इन तीनों सीटों में से मथुरा को लेकर संभावनाएं ज़्यादा बलवती हो रही, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उसका एक संदेश जाएगा और फिर वो योगेश्वर की भूमि में योगी होंगे तो उसको भी पार्टी कैच लाइन बना सकती है। लेकिन आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ के साथ साथ तमाम और जो बीजेपी के नेता हैं, चाहे वो उप मुख्यमंत्री हों या मंत्री, जो बिना चुनाव लड़े अभी मंत्री बने हुए हैं, उनको लेकर भी बेहद दिलचस्प परिस्थितियां बन रही हैं। जाहिर है यदि योगी मथुरा से लड़ेंगे तो पार्टी के एक और ताकतवर नेता और ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा के लिए विकल्प खोजना होगा। अब श्रीकांत शर्मा तो मान लीजिए कद्दावर नेता हैं और दिल्ली में लंबे समय तक राजनीति की है, उनके लिए यूपी में भी कोई बड़ी सीट खोजना दिक्कत नहीं और दिल्ली कभी भी बुलाया जा सकता है। मगर दो उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा कहाँ से चुनाव लड़ेंगे और किसका पत्ता साफ होगा, उन लोगों के लिए तो दिक्कत है ही। केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा पर आए, उससे पहले बात करते हैं उस सीट की जिसको लेकर सबसे ज्यादा दावेदारी है और मामला बेहद पेचीदा हो गया है। ये सीट है चर्चित प्रदेश सरकार की मंत्री स्वाति सिंह। स्वाति सिंह लखनऊ की सरोजनी नगर सीट से विधायक हैं। राज की बात यह है कि इस सीट से स्वाति सिंह के सामने सबसे बड़ी चुनौती दो हस्तियां बनी हुई है। इनमें से एक उनके पति और बीजेपी युवा मोर्चा की राजनीति में बड़ा नाम रहे दयाशंकर सिंह हैं। पति पत्नी के बीच इस दावेदारी की जंग में तीसरे नेता हैं सिंचाई मंत्री और फिलहाल योगी आदित्यनाथ के बेहद खास बन चुके महेंद्र सिंह। दयाशंकर और महेंद्र दोनों ही सरोजनी नगर से टिकट मांग रहे हैं। वैसे स्वाति सिंह एक सियासी दुर्घटना की वजह से राजनीति में आई थी। याद करिए, उनके पति दयाशंकर सिंह ने बीएसपी सुप्रीमो मायावती के लिए एक अभद्र टिप्पणी की थी। उस टिप्पणी के बाद दयाशंकर को तो जेल जाना पड़ा था, मगर तब बीएसपी के नेता सड़कों पर उतर आए थे और तब बीएसपी में रहे नसीमुद्दीन सिद्दीकी की अगुवाई में बीएसपी नेताओं कार्यकर्ताओं ने लखनऊ में दयाशंकर सिंह की पत्नी स्वाति और उनकी बेटी के लिए अभद्र टिप्पणियां की थी। उस समय जिस तरह से स्वाति सिंह ने जवाब दिया, उसके बाद वे न सिर्फ प्रदेश बल्कि पूरे देश में महिलाओं के बीच खास जगह बना गई थी। दयाशंकर सिंह का टिकट तय था, लेकिन मायावती पर अभद्र टिप्पणी के चलते जेल और विवाद से बचने के लिए स्वाति सिंह को सरोजनी नगर से बीजेपी ने टिकट दिया। स्वाति सिंह जीती और मंत्री भी बनाई गई।
लेकिन अब सारे मामलों से बरी होने के बाद दया फिर से सक्रिय हो चुके हैं और सरोजनी नगर सीट से अब टिकट लेकर अपना कैरियर जो रुक चुका था उसे फिर से गति देना चाहिए। सरोजनी नगर विधानसभा क्षेत्र में जगह जगह दयाशंकर सिंह की होर्डिंग्स इस बात की तस्दीक भी कर रही हैं। खास बात यह है कि महेंद्र सिंह अभी भी MLC हैं और नेताओं के चुनाव लड़ने की शर्त में अपने लिए सुरक्षित सीट भी उन्हें सरोजनी नगर ही दिखाई पड़ रही है। अब लखनऊ की एक और सीट, बल्कि यूं कहें कि सबसे सुरक्षित सीट लखनऊ पूर्वी पर उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा की भी नजर है। लखनऊ के मेयर रहे डॉक्टर शर्मा की दावेदारी इस सीट पर सबसे ज्यादा ब्राह्मण होने के चलते भी मानी जाती है, मगर यहाँ से फिलहाल एक और मंत्री आशुतोष टंडन विधायक हैं। वे कद्दावर BJP नेता लालजी टंडन के बेटे हैं। जाहिर है कि डॉक्टर दिनेश शर्मा का नाम बड़ा है, लेकिन टंडन खुद भी मंत्री हैं और विरासत का भी साथ है। इसी तरह 2017 में जब BJP सत्ता में आई तो उस समय प्रदेश में पार्टी का चेहरा और BJP अध्यक्ष रहे केशव प्रसाद मौर्य को भी चुनाव लड़ना है। फिलहाल UP में योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री रहते हुए भी पार्टी या बाहर सबसे कद्दावर चेहरा मौर्य ही माने जाते हैं। बुलता वह कौशाम्बी जिले से हैं, लेकिन प्रयाग में अब उनका निवास है। वे कौशाम्बी के सेठ सिराथू से 2012 में विधायक रह चुके हैं। इतना ही नहीं, 2014 में वह फूलपुर संसदीय सीट से लोकसभा चुनाव भी जीत चुके हैं। उनके पास दोनों विकल्प हैं। राज की बात यह है कि उनके करीबी सिराथू या प्रयाग उत्तरी से केशव प्रसाद मौर्य के लड़ने की बात कर रहे हैं। वैसे तो सिराथू में मौर्य के करीबी या उनके चेले माने जाने वाले देवेंद्र पटेल ही हैं, लेकिन सवाल यह है कि अपना टिकट कौन कटवाना चाहता है। पर यह देखने की बात यह होगी कि अब मौर्य कहां से लड़ना तय करते हैं, क्योंकि इतना तो तय है ये मौर्य जिस सीट पर हाथ रखेंगे आला कमान उनको देगा ही। ABP News आपको रखे आगे।